जी जावेद भाई क्यों बोला मान ले हो, क्या हो गया? बोला लगा तो थाने ठीक है। और जावेद भाई क्यों परेशान हो रहे यार, ये देखो ना टमाटर ये लाया हूँ, ये देखो प्याज, ये सिर्फ प्याज नहीं है ये पूरे पाकिस्तान की जीडीपी है। जावेद भाई दिल बुरा मत करो, इंडिया गो टू हेल, फलाना गो टू हेल, ये बोलने से क्या, प्याज खाओ यार मैं भेजता हूँ तुम्हारे। गाइस कैसे हैं आप, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मोहम्मद से, और मैं हूं जफर इकबाल, और आज हम देखने जा रहे हैं भाई मेजर थ्रेशिश जुवेद मियां दार इन हिज ऑन लैंग्वेज। तो देखते हैं भाई वीडियो मेजर साहब की, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। ब्रदर 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 ब्रदर, जो मुस्लिम मुल्क इनको दिख गया, या फिर चाइना, चाइना को पाकिस्तान ने बनाया, ऑनरी डायन भी होती है ना, तीन घर छोड़ के आती है डायन, तीन घर छोड़ के डायन आती है, पाकिस्तानी एक घर नहीं छोड़ते। जावेद भाई क्यों बोला मान ले हो, क्या हो गया? अरे ऐसा थोड़ा है कि ये टेररिस्ट किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और उसकी शिफ्ट लगती है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तुर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आ गई है, 3,700 से ज्यादा जाने गई है, ज्यादातर तुर्की में, सीरिया में थोड़ी सी कम, लेकिन सीरिया वॉज एनी वे वॉर डेवेस्टेटेड कंट्री, वहां पर वैसे ही जंग की वजह से बहुत पहले ही अफरा तफरी थी, और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। इन एरियाज में विंटर्स हैं, पीक विंटर्स, कहीं कहीं बर्फ भी गिर रही है, तो कई सारे लोग जो हैं मलबे के नीचे दबे हुए हैं, एंड देयर इज नो वे टू रीच आउट टू देम, क्योंकि इसमें तुर्की भी बेचारा क्या कर लेगा, व्हाट कैन टर्की डू, क्योंकि जब ऐसी अर्थक्वेक आती है व्हाट कैन एनीबॉडी डू, पूरी बिल्डिंग, पूरे अपार्टमेंट ब्लॉक्स नीचे गिर गए। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है टर्की में, और ठंड की वजह से प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई है। तो मोदी जी ने अनाउंस करा है कि जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है हमारी, वो तैयार कर रही है दवाइयां, डॉक्टर्स, ये सब, एंड एज वी स्पीक दे आर लीविंग फॉर टर्की, एंड काफी देशों ने प्रॉमिस करा है रिलीफ और जा भी रहा है, और भारत का जाहिर सी बात है कि हमारा थोड़ा सा रिस्पॉन्स बाकी मुल्कों से, जब तक मुल्क मीटिंग मीटिंग कर रहे होते हैं, जब तक मुल्क सोच रहे होते हैं कि हमें क्या करना है, जब तक मुल्क डिसाइड कर पाते हैं कि क्या करना है, यहां पे इंडियन एयरफोर्स के जहाज जो है ऑलरेडी हवा में होते हैं, होते हैं। ये मैंने देख लिया है, अच्छी बात, दिस आई हैव सीन, जब कोविड के समय यू नो लोगों को निकालना था, जो मिशन हुए थे लोगों को निकालने के, या फिर जो यूक्रेन की लड़ाई में हमने देखा था किस तरीके से निकाला, तो रातों रात यहां पर तो घंटों के हिसाब से काम होता है सबको डिप्लॉय करके, तो वो इंडियन प्लेन्स इन द एयर, और वहां पे जाके जो भी रिलीफ करना है, बाकी लोग भी आ रहे हैं, हम लोग भी वहां पे आ रहे हैं, तो सीरिया में भी और तुर्की में भी हमारी हेल्प होगी। बीच में मैं एक आपको चीज पढ़ना चाहता हूं ना, इसमें भी मैं पाकिस्तान का जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं देखता हूं यार कि कैसी हरकतें हैं इन लोगों की यार। अभी देखो शहबाज शरीफ का ट्वीट देखिएगा, ठीक है, ये ट्वीट देखिए शहबाज शरीफ का, डीपली सैडन बाय द न्यूज ऑफ अ मैसिव अर्थक्वेक दैट स्ट्रक साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ तुर्की, I send my profound condolences and most sincere sympathies to my brother president, to my brother president Erdogan and brotherly people of Turkey on the loss of precious lives and damage to infrastructure. मैं तुर्की इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टर्की को अब तुर्के कर दिया है, तुर्की, I don't know how, with the two dots, उनका नाम चेंज कर दिया मुल्क का, लेकिन ब्रदरली हर चीज, दो बार तो इसने भाई बना लिया, ब्रदर प्रेसिडेंट। अच्छा दूसरा ट्वीट देखिए शहबाज शरीफ का, just spoke to his excellency president Erdogan to express our profound condolences and prayers at the human and material losses in the earthquake. I told president that Pakistan would do anything to help their Turkish brothers and sisters during this challenges. ab dekho yaar khud socho aap log ye kya karte hain yaar, itni chaplusi karte hain yaar, brother 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 brother, jo muslim mulk inko dikh gaya, ya fir china, china ko pakistan ne banaya honorary muslim, wo musalman hai nahi, unko honorary muslim bana diya, theek hai, खासतौर से जो अमीर मुल्क है, जो पाकिस्तान से अमीर, विच इज
roughly the entire world. But Pakistan se jo ameer musalman mulk hai, brother this, brother that. Ab yahi chaplusi Billo Rani ne bhi seekh li. Billo Rani yani ki Bilawal Bhutto Zardari kya bolta hai? Spoke with my brother Melwood Cavusoglu. Cavusoglu, Goli ko main hu yaar. Melwood Cavusoglu, in solidarity and offer condolences for the earthquake, offered assistance and support in any way we can. Yaar dekho na, baat ye hai ki it's good that Pakistan is offering support. Every country should offer support. Pakistan bhi kar raha hai, India bhi kar raha hai, sare country kar rahe hain. Lekin main sirf ye bolna cha raha tha ki jis level ki chaplusi ye log karte hain na Pakistani, ये हमारे मुसलमान भाई हैं, हर जगह, ये हर जगह इनके दिमाग में सिर्फ एक, अभी भी पाकिस्तानी मैं बता रहा हूं मदद कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि बाद में टर्की से पैसा ले सके. इन्होंने फिलिस्तीनियों को नहीं छोड़ा, इन्होंने वहां से भी एम्बुलेंस मांग ली थी, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा. डायन भी होती है ना, तीन घर छोड़ के आती है डायन, तीन घर छोड़ के डायन आती है. पाकिस्तानी एक घर नहीं छोड़ते. मुझे कहना नहीं चाहिए इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई टर्की में, लेकिन आई एम टेलिंग यू, मार्क माय वर्ड्स, आज की डेट आप नोट करना कि मेजर ने बोला था पाकिस्तान यहां पे भी अपॉर्चुनिटी देख रहा है, यहां पे भी मौके की तलाश में पाकिस्तान कि हमें क्या बेनिफिट हो जाए. ये ब्रदर सिस्टर जो कर रहा है ना पाकिस्तान, इसका नाम नहीं पता होगा, ये जो बंदा था जिसको ये बिलावल ब्रदर बोल रहा है, इसने इसका नाम नहीं सुना होगा आज से 8 महीने पहले, जिसको भी भाई बना रखा है इसने अपना सगा. ये सब मौका परस्त लोग हैं, ध्यान रखिएगा. एक बहुत बड़ी खबर है भारत से कि INS विक्रांत के ऊपर जेट लैंडिंग शुरू हो गई है, और सबसे बड़ी बात लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस है वो भी वहां पे लैंड करा, टेक ऑफ करा, और MiG-29K जो कि हमारे पास थी पहले से, MiG-29 बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, बहुत जबरदस्त एयरक्राफ्ट है, वो लैंड करा. इसमें यह कहा गया कि नेवी ने एक स्टेटमेंट फेंका, हिस्टोरिकल माइलस्टोन अचीव टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया बाय इंडियन नेवी एज नेवल पायलट्स carry out landing LCA Navy on board the INS Vikrant. This demonstrates India's capability to design, develop, construct and operate an indigenous aircraft carrier with an indigenous fighter aircraft. देखिए ये जो विक्रांत है ये भी भारत में बना है, तेजस भी भारत में बना है, तो भारत का हवाई जहाज भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करा. और मुझे नेवी के बारे में ज्यादा ऐसे नहीं पता है, बिकॉज आई एम फ्रॉम द आर्मी एंड आई वुड नो मोर अबाउट द आर्मी देन द नेवी एंड द एयरफोर्स. बट यार हैट्स ऑफ, यार हजार सलूट नेवल एविएटर्स को. ये आप समझ सकते हैं सुपरसोनिक स्पीड से अपने एयरक्राफ्ट को धीरे करना, और एक मूविंग प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें लैंड कर रहे हैं वो भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि वो स्टैटिक है, ऐसा नहीं कि एक जगह है, वो रनवे नहीं है इन अ क्लासिकल सेंस, वो वहां पे खड़ा हुआ और उस पर चलते हुए प्लेटफॉर्म पे आके लैंड करना, यार जिस लेवल की एक्यूरेसी चाहिए और जो हमारे नेवल एविएटर्स करते हैं यार, ठीक है. तभी वो मूवी बनी थी ना इसकी टॉप गन, वो नेवल एविएटर्स के ऊपर बनी थी टॉप गन, इसीलिए टॉप गन कहते हैं. तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू. अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान, आपका और मेरा सबसे प्यारा पाकिस्तान, अजीम शान पाकिस्तान, ठीक है जी. अब आपको पता है जय शाह और नजम सेठी के बीच में जो प्रॉब्लम्स हुई, फिर भारत ने बोला कि हम एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे. और यार देखो भारत ने गलत क्या बोला, मैं आपसे जानना चाहता हूं भारत ने गलत क्या बोल दिया. कौन ऐसा पगला है जो पाकिस्तान जाना चाहेगा खुशी खुशी. पाकिस्तानी, मैंने क्या बताया था आपको कल, पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान नहीं जाना चाहते यार, इनके आर्मी चीफ खुद पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, जिनका काम है पाकिस्तान की दिफा करना, पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना, वो इनके आर्मी चीफ पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते. तो जिनके पास इतनी सिक्योरिटी है, जिनके पास इतना पैसा है, करोड़ अरबपति है, सब कुछ फैसिलिटीज है, वो पाकिस्तान में रहकर खुश नहीं है. सो हाउ कैन यू से दैट यू नो कि बाकी सब लोग इस तरीके से करेंगे, हाउ इज इट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं. तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप ये देखिए जावेद मियादाद बीच में आ गए, भारत ने मना कर दिया, जावेद मियादाद का बीच में आ गए और भारत को बोला गो टू हेल, कह रहा कि इफ इंडिया डज नॉट वॉन्ट टू कम वी डोंट केयर, गो टू हेल. अच्छा ये ना जावेद मियादाद, मैं आपको बात बताना चाहता हूं, इसने बोल दिया गो टू हेल. जावेद मियादाद का समधी आपको पता है कौन है, दाऊद इब्राहिम, जावेद मियादाद के बेटा और दाऊद इब्राहिम की बेटी, इनकी शादी है. तो कहीं ना कहीं इसका कॉन्फिडेंस वहां से भी आता है, इसका कॉन्फिडेंस इससे नहीं आता कि ये बहुत बड़ा बैट्समैन था, जो कि था एक्चुअली एक जमाने में, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस वहां से नहीं आता, इसका कॉन्फिडेंस यहां से आता है कि दाऊद इब्राहिम इसका समधी है और ये बंदा उस चीज का पाकिस्तान में पूरा फायदा उठाता है, और ये तोतला भी है, ये तोतला भी है.
बड़े जावेद मियादाद को कभी बोलते देखिएगा, पूरा तोतला है ये। आप भी मेजर साहब को थोड़ा, और मैं जावेद मियादाद ने इंडिया को बोला गो टू हेल, तो मैं जावेद मियादाद की जबान में जावेद मियादाद को कुछ समझाना चाहता हूँ। जी जावेद भाई, क्यों बोला मान ले हो? बोला लगा थोथाले, ठीक है। और जावेद भाई क्यों परेशान हो रहे हैं? ये देखो ना, टमाटर ये लाया हूं, ये देखो प्याज, ये सिर्फ प्याज नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की जीडीपी है। जावेद भाई इसे बुरा मत करो, इंडिया गो टू हेल, फलाना गो टू हेल, ये बोलने से क्या, प्याज खाओ यार, मैं भेजता हूँ तुम्हारे पूरे पाकिस्तान की जीडीपी एक कटोरे में, और जब प्याज खा लोगे बाकी कटोरा आप पास रख लेना, भीख मांगने काम आएगा। इंडिया को गो टू हेल है जी, देख लो जावेद भाई, दिस इज फॉर यू जावेद मियादाद, प्याज ध्यान रखना इस प्याज का। अच्छा जी, पाकिस्तानी ड्रग मेकर्स ने मना कर दिया, बोला कि अब हम दवाई नहीं, ये ड्रग वो नहीं जो इमरान खान लेता है, ये ड्रग मेकर्स यानी कि ये पैरासिटामोल और ये सब जो दवाइयां बनाते हैं, उन्होंने मना कर दिया, बोला कि साहब पैसे ही नहीं हमारे पास, हम बना ही नहीं सकते, गल्ला बंद, दुकान बंद, शटर डाउन, ओवर, फिनिश्ड, बाय बाय, टाटा, खत्म, उन्होंने ढक्कन बंद कर दिया। पाकिस्तानियों का सर में दर्द होगा तो फिर दवाई नहीं है, पैर में दर्द होगा दवाई नहीं। मैं छोटी छोटी चीजों की बात बता रहा हूं, बड़ी दवाइयां तो बहुत पहले खत्म हो गई, इंसुलिन बहुत मुश्किल से मिलती है, पैरासिटामोल, पैनाडोल, ऐसी दवाइयां पाकिस्तान में राशनिंग होती थी इनकी। कैसे राशनिंग होती, भाई आप इतना ही ले सकते हैं, एक पत्ता ले लो, आप ऐसा नहीं कि जैसे इंडिया में जाते हैं ना कि भाई जरा डिस्प्रिन देना, और डिस्प्रिन तो आजकल मिलती नहीं है, कौन सा क्या, पैरासिटामोल देना, तो बोले साहब कितनी चाहिए, 10 पत्ते लाओ, तो 10 पत्ते रख देना, उसकी भी इन्होंने राशनिंग कर दी, वो भी बनाना इन्होंने बंद कर दी, पैसे ही नहीं इनके पास। तो ये पाकिस्तान में हो गया है। दो और खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस पोस्ट पे अटैक हुआ, जिनको रिपल्स करा गया, यानी कि आतंकवादियों को पछाड़ दिया गया, उनको रिपल्स करा गया है, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टांक, एक जगह टैंक या टांक जो भी है, वकार अहमद, इन्होंने बताया कि द कॉप्स हाउएवर अलर्ट एंड रिटेलिएटेड स्ट्रॉन्गली, अ नंबर ऑफ लोकल्स आल्सो केम आउट ऑफ देयर होम्स टू सपोर्ट द पुलिस, द अटैकर्स मैनेज्ड देयर एस्केप आफ्टर एन एक्सचेंज ऑफ फायर फॉर अराउंड 10 मिनट्स। अब देखिए बात यह है कि ये लोग ना अटैक करना शुरू कर दिए, सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, हमें क्या समझना है कि दे हैव स्टार्टेड, द टेररिस्ट हैव स्टार्टेड फ्रीक्वेंटली टारगेटिंग पाकिस्तानी। अच्छा, आज तो उन्होंने उनको रिपल्स कर दिया, कल रात को फिर पहुंच जाएंगे ये लोग। अरे ऐसा थोड़ना है कि ये टेररिस्ट किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और उसकी शिफ्ट लगती है, नहीं समझ रहे, या उसको कहीं दुकान पर जाना है, गल्ले पर बैठना है, ना ये तो फुल टाइम टेररिस्ट है, दीज आर नॉट पार्ट टाइम टेररिस्ट, टीटीपी के लिए फुल टाइम टेररिस्ट है। आप इनको कल भगा दोगे फिर आ जाएंगे, ये तो मरने के लिए ही आए हैं ना, इनका फुल टाइम प्रोफेशन है टेररिज्म, तो फिर आएंगे ये, और फिर आते चले जाएंगे अंटिल एंड अनलेस दे आर सक्सेसफुल एंड देन दे विल कम अगेन। सो दिस इज अ नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ वायलेंस इन पाकिस्तान, ठीक है जी। एक पंजाब जो सूबा है पाकिस्तान में, उसका 400 बिलियन की एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम थी, जो कि सेंटर ने ब्लॉक कर दी, यानी कि उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट शहबाज शरीफ ने ब्लॉक कर दी, और अंडर द ऑनगोइंग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोग्राम सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड अदर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, द 4 provinces आर रिक्वायर्ड टू सरेंडर 800 billion टू द फेडरल गवर्नमेंट एज कैश सरप्लस दिस ईयर टू कंटेन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी बैलेंस विद इन बजटेड टारगेट्स। ये सारा का सारा पैसा जो है ये वापस जाएगा, क्योंकि इनका फिस्कल डेफिसिट है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है पाकिस्तान, खाने के लाले पड़ रखे हैं, और IMF इनको, मैं बता रहा हूं बिल्कुल, IMF ने इनको जिसको कहते हैं ना कि फट्टे पे लिटा दिया है, पाकिस्तानियों पूरी कौम को फट्टे पे लिटा दिया IMF ने, क्योंकि बहुत अय्याशी करी, बहुत जिहाद करे, बहुत ये करा, बहुत हम इकबाल के शाहीन हैं और हम ऐसे उड़ते हैं और वैसे उड़ते हैं और यहां डाइव मारते हैं और यहां उछाल मारते हैं, उस मतलब तुम्हें दरा जरा पहले सबसे पहले इथे आओ पुत्र, कम हियर, बैठो इधर, फिर बताए, बदतमीजी मत करना, सब अपने पैसे जेब में खाली करो, पैसे इधर रखो, जितने भी चोरी करें, ठीक है। अच्छा जी, पाकिस्तान ने विकिपीडिया पर बैन लिफ्ट करा है, चक्कर यह है कि उन्होंने बोला कि इस्लाम खतरे में है और इस्लाम के खिलाफ गंदी बातें हैं विकिपीडिया में, तो पाकिस्तान ने विकिपीडिया बैन कर दिया। फिर लोगों ने बोला कि जनाब हमारी पूरी कौम की नॉलेज ही विकिपीडिया से आती है, पढ़ाई लिखने का तो वो हमारे यहां कोई चलन है नहीं, अभी किताब विताब छपती नहीं पाकिस्तान में, सारी की सारी तो विकिपीडिया से हमारी व्हाट्सएप से नॉलेज है, विकिपीडिया से नॉलेज है, हम करेंगे क्या। तो उसने बोला चलो विकिपीडिया खोल दो। तो इस्लाम खतरे में सिर्फ 48 घंटे के लिए था पाकिस्तान में, समझ लो मेरी बात,
इस्लाम वॉज अंडर अटैक ओनली फॉर 48 आवर्स, आफ्टर दैट इस्लाम के ऊपर जो खतरे का साया था वो हट गया, अकॉर्डिंग टू शहबाज शरीफ। तो दोस्तों आज की ये खबर है पाकिस्तान से, और फिर से मैं जावेद मियादाद को ये कहने वाला हूं, ये प्याज में दिखाता हूं जावेद मियादाद को, कहता हूं कि जावेद भाई बुला मत मानना, हम सब भाई भाई हैं, बोले प्याज खाओ खाओ, प्याज मोहब्बत की बातें करो, अमंती आशा, ठीक है जावेद भाई। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे मेजर साहब के आगे, तो खैर आंसर क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आंसर बाकी ये कि अब देखें कि सबसे पहले तो इंडिया का, मैं आज भी न्यूज़ सुन रहा था और देखी लेटेस्ट के सबसे पहले भाई इंडिया वहाँ पहुँच गया, बाकी उधर से जापान से भी आई है इमदाद, वो भी वहाँ से पहुँच गए, लेकिन इंडिया ने अपने जो जहाज़ है ना कार्गो वो भाई बेच दिए, और ये बहुत अच्छी बात है, दिल को सुकून मिला ये चीज़ देख कर, लेकिन ये है कि हमारी तरफ से हमने सब कंट्री ने ना मिलकर एक जो हेल्प आउट होती है ना सबने की है, ग्रीस भी सब कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, लिबनान भी उधर था तो सब, मतलब के एक ताइवान के भी थे और भी काफी मुल्क थे जो एक हेल्प आउट कर रहे थे, पाकिस्तान के भी थे, इन्होंने भी एक तैयारा भेजा था, उसमें भी काफी लोग थे जो के एक निकालेंगे, वो अर्ली जिस चीज की जरूरत है उसके लिए अगर आप जल्दी पहुंच जाए, ये एक इंसानियत के नाते यहाँ पे नाम नहीं लिखवाना कि हम जा रहे हैं वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो किसी भी कंट्री या किसी भी जगह के ऊपर ये वाकया हो सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो है ना वो इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए कि जितने पॉसिबल हो के लोग वहां पे बचें, क्योंकि जो एक उसकी शिद्दत थी ना वो बहुत ज्यादा थी और दो कंट्रीज के अंदर थी, और उनके लिए जो है ना वो बहुत ज्यादा इस टाइम मुश्किल टाइम है, तो हमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके ऊपर यही करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि उनके ऊपर जो है ना ये मुश्किल वक्त जल्दी टल जाए। हाँ, किस हद तक अब उनको फैसिलिटेट करने की जरूरत है, तो वो हर कंट्री को चाहिए कि इसकी चीज के ऊपर फोकस करे, इंडिया को अमदाद देते हैं भाई, अच्छी चीज है, उन्होंने मतलब इस चीज में बहुत आगे हैं वो, यार आप देखो ना इंसानियत यही होती है कि आपने एक मदद करनी है, जान मौत ये तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, तो एक मदद के लिए आप जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उधर ऐसी वीडियो देखकर यार मैंने तो अपना इंस्टाग्राम ही मतलब के एक ऑफ कर दिया, मुझसे वो वीडियो नहीं देखी जा रही थी, छोटे छोटे बच्चे हैं और ऐसे सीन है यार, ऐसा नहीं देखा जाता, क्योंकि अब काफी उन पर मुसीबत भी है, क्योंकि जलजला आते ही जा रहा है, एक नाम रुकने के नहीं वो ले रहा, इतनी बड़ी बड़ी होते ही ऐसे है ना, आप देखो गिर रही है ऐसे, हमारे यहाँ इधर जब 2005 में आया था ना मुजफ्फराबाद में, तो वहां पे भी यही सूरत हाल थी, जो के उसके झटके जो है ना वो बाद में भी लगते रहते 3-4 दिन, वो भी ये किसी शिद्दत का था, और उस वक्त भी हर चीज एक मलिया मेट हो गई थी, तो बिल्कुल अब उधर भी इसी तरह की सूरत हाल है, बाकी हर कंट्री को जो है ना, अब देखो ना पाकिस्तान ठीक है जो कि हेल्प फ्रेंडशिप कंट्री जो भी एक करते हर कंट्री कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, जो भी एक मतलब के मतलब के जो पड़ोसी ममालिक थे वो कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए ना तो पाकिस्तान का एक स्टेप गलत है, जो कि शहबाज शरीफ उधर जा रहे हैं एक अपने पूरे अमले के साथ, अपनी पड़ी हुई है अपनी, यार दिल नहीं करता, एक नॉर्मल बंदे के भी ऐसे आ जाती है दिल में कि यार नहीं मुझे तो जानी नहीं चाहिए, तो अपना अमला भेजे, अमला भेजे, जो भी एक अमला ऑलरेडी भेज दिया है और भेजे, जो हो सके वो करें, हेल्प करें, लेकिन ये खुद वहाँ जा रहे हैं, वहाँ खुद उधर जाना चाहिए, वो बेचारे अपना काम संभालेंगे या इसको जो है ना प्रोटोकॉल, क्योंकि वो एक मस्ट होता है ना किसी कंट्री का, जब भी आपके पास कोई मेहमान आता है उसको जो है ना गवर्नमेंट ऑफिशियल के तौर पर उसको ट्रीट किया जाता है, तो भाई उनकी अभी तक इस चीज के ऊपर उनको होश ही नहीं है कि हमने करना क्या है, गलत और ये जो जहाज भर के जो है ना उधर जा रहा है भाई, देखो 9 तारीख तक किसने उधर अब रहना, और गलत टोटल गलत बात है यार, देखो ना ये मेजर साहब सही बोलते हैं, लेट जाते हैं यार, जो भी कहीं भी मौका देखते हैं ना, उन्होंने वो डैन वाले जो मिसाल दी है ना कि एक घर छोड़कर ही 3 घर छोड़कर, लेकिन इन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी हुई, जहां पर इनको जो मिल रहा है वहां पर जी ब्रदरहुड ये हमारा ब्रदर, ये हमारा ब्रदर, अब इधर देख ले कि जब वहां पर है तो आप इधर से एक बार रुक जाए, चले जाना, आपको जाने देंगे, मौका देंगे, लेकिन और लेकिन आप चलो जुवेद मियां दाद ने मतलब जो उसके लफ्ज देना वो एक गलत बात है, क्योंकि ऐसे लफ्ज बोलने से आप एक फार्मर क्रिकेटर हैं, एक रिस्पेक्ट दें, क्योंकि वो देखा ना आपने KGF का डायलॉग के क्या यार
बाप का मतलब कि आपका बाप मिनिस्टर था तो आप भी मिनिस्टर होंगे, आपका बाप मतलब कि डॉक्टर था तो आप भी बेचारा गरीब आदमी क्या करे। वो ही बात है इस पर परफेक्ट है कि आपका आप बाप है तो आपका बेटा क्रिकेटर ही होगा, दूसरा जो टैलेंट है पाकिस्तान का बाहर में जाए, जो गरीब बंदा एक मेहनत मजदूरी जो के टैलेंट के मतलब के जिनके पास टैलेंट है उसको आप आगे नहीं आने देते और ऊपर सियासत करते हैं कि भाई मेरे भतीजे को खिलाओ, मेरे बेटे को खिलाओ, इसको खिलाओ, उसकी सिफारिश कराओ। ऐसा काम नहीं होता। आपके इतने इतने बड़े टैलेंट जो कि दूसरी कंट्रियों में जाकर खेल रहे हैं और आपका आज मुंह भी तोड़ रहे हैं, मुंह तोड़ते हैं जब वो जो कि इधर का टैलेंट था हमने ऐसे टैलेंट दबाया हुआ है। मेजर साहब ने एक अच्छा उनको भी ट्रीट किया है, एक अच्छा जो प्याज लेके आया है। पहली बात है उन्होंने तो एक क्या है भाई आपको प्याज तो खाने के लिए उन्होंने तो एक लफ्ज बोल दिया है ना, उसको क्या आ जाएगा भाई यशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं लेकिन बातें तो पूरा पाकिस्तान ही सुनेगा ना, सुनेगा इंडिया इस बार बातें क्या सुननी है, ये है ही रियलिटी। प्याज मिल ही नहीं रहा इधर, नहीं मिल रहा कोई भी आपको। मैं हर रोज भाई एक इसीलिए सब्जी पर बना रहा हूँ वीडियो, आपको दिखा रहा हूँ यहाँ की चीजें, हमारा दिल करता है देखने के लिए, देखने के लिए क्योंकि उनमें तो खुशी हम देखे प्याज देखने के लिए। मैं तो बोलता हूँ मेजर साहब को एक बैकग्राउंड प्याज लगाना चाहिए देख कर बंदा खुश हो के प्याज वो पड़ा है भाई इंडिया के एक मतलब के कुछ किलोमीटर और वहां से ले, वहां से ले भाई इधर जब फिर रेट अब नहीं बताते। बाकी खैर भाई आप देखें कि इधर क्या हाल है इधर ये इन चीजों का जो हमें मिल नहीं रहे। लेकिन मैं आज ना एक और स्टेटमेंट पढ़ रहा था अश्वंत की मतलब के अश्वन की पढ़ रहा था, उसने एक थी तो छोटी सी लेकिन उसने एक क्लियर बात पॉइंट कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे लेकिन वो इंडिया जरूर खेलने आएंगे, ये कन्फर्म बात है। अश्विन की शायद आपने स्टेटमेंट पढ़ी होगी या देखी होगी, ये कन्फर्म उसने बात कर दी है क्योंकि आपकी भाई इज्जत नहीं है। बनानी तो बड़ी बात है भाई, आप हम नहीं खेलने आएंगे लेकिन आप जरूर आएंगे, जाएंगे ये देखना। वो तो ठीक नहीं, वो जाना भी चाहिए, जाना भी चाहिए, एक दिली ख्वाहिश भी है कि भाई उधर जाकर जाना चाहिए हमारे प्लेयर इंडिया पहले ये जाए, वो बाकी बाद का मसला है, वो ना ही आए तो अच्छा है। क्योंकि क्वेटा में बम धमाका हो रहा था, इधर वो चाचा मारा छक्के मार रहा था क्या हुआ है कुछ नहीं, बस धुआं उठ रहा है, आप चिल मारो चिल मारो। और उस वक्त उसने वो धुआं देख के भाग गोरे ने ऐसे भागना था ना। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।